मोशन ऑफ अ बॉडी ड्रॉप्ड इन अ टनल अलोंग डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ हमने क्या किया, अर्थ के अंदर डायमीटर के अलोंग टनल को डिग कर दिया, टनल को डिग किया, टनल को जब डिग किया इसके अंदर एक बॉल लिया, बॉल को ड्रॉप कर दिया। बॉल क्या करेगी, नीचे जाएगी। कौन खींच रहा है बॉल को नीचे, सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर नीचे खींच रही है क्योंकि अट्रैक्ट कौन करता है, सेंटर करता है। तो बॉल सेंटर की तरफ जा रही है, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जीरो। तो ये वेटलेसनेस कंडीशन में आ जाएगी, इसका वेट जीरो हो जाएगा। कायदे से इसको रुक जाना चाहिए, सेंटर पे बॉल को रुकना चाहिए, पर बॉल स्पीड से आ रही है, मोमेंटम है, एनर्जी है, तो बॉल क्या करेगी, सेंटर को आगे क्रॉस कर जाएगी। तो एकदम रुकेगी नहीं, सेंटर को क्रॉस करेगी। अब सेंटर कहां रह गया, ऊपर। कौन खींच रहा है बॉल को, सेंटर। अब सेंटर ऊपर, बॉल नीचे, अब क्या होगा, इसे ऊपर खींच लेगी। बॉल कहां आएगी, ऊपर, सेंटर पर रुक नहीं पाएगी, थोड़ा सा आगे क्रॉस कर जाएगी। सेंटर कहां रह गया, नीचे। बॉल को कहां खींचेगी, नीचे। बॉल नीचे आएगी, फिर और नीचे चली जाएगी। अब सेंटर कहां रह गया, ऊपर, अब ऊपर खींच लेगी। तो इस सेंटर के अबाउट हल्की हल्की बॉल किस में करेगी, इन SHM। प्रूव करो ये SHM है, उसका टाइम पीरियड भी निकालो। तो सेंटर क्या बनेगा, मीन पोजीशन। और सेंटर के ऊपर और नीचे दो पोजीशंस क्या बनेगी, एक्सट्रीम पोजीशन। और ये बॉल बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं जाती, बस हल्का हल्का सेंटर के अबाउट हल्की हल्की ऑसिलेट करती है, इतना। तो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए रहती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर इमेजिन करते हैं, हमने बॉल को फेंका। बॉल किसी भी इंस्टेंट पर अभी पी पॉइंट पर है। पी पॉइंट पर इसकी डेप्थ कितनी है टॉप ऑफ द सरफेस से, डी। सेंटर से दूरी कितनी है, वाई। तो इस पी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ग्रेविटेशन में किया था, जी इंटू वन माइनस डी बाई आर। तो यहां से एलसीएम आ गया यहां पर। तो यहां पर ये r है और ये d है, r में से d गया तो क्या बचा, y। हम सारे डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर। तो इसकी जगह हम y पुट कर लेते हैं, ठीक है यहां तक। तो g डैश की वैल्यू आ गई। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, आप एक बात बताओ, रिस्टोरिंग। देखो वेट क्या होता है बॉडी का, वेट वो फोर्स है जिससे कि अर्थ एक बॉडी को खींचती है, उसको वेट बोलते हैं। सेंटर पे वेट क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि अर्थ सेंटर पे खींचती नहीं है। तो होगा क्या, जैसे ये बॉल नीचे गई या जैसे ये बॉल ऊपर आई वाई, तो अर्थ इसे नीचे खींच रही है। अब वाई ऊपर है, अर्थ नीचे खींच रही है, तो रिस्टोरिंग फोर्स वाई के ऑपोजिट है। बॉल तो ऊपर भाग रही है सेंटर क्रॉस करते हुए, रिस्टोरिंग फोर्स नीचे है। अब रिस्टोरिंग फोर्स है क्या, रिस्टोरिंग फोर्स है जितना भी बॉडी का क्या है, वेट है, किसी भी इंस्टेंट पर वेट। अब वेट कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज। तो वाई डिस्टेंस पे वेट कितना हमने निकाला, एम जी डैश। रिस्टोरिंग फोर्स के लिए साइन क्या लगता है, नेगेटिव। हमने किया था लास्ट टाइम कि सारी रिस्टोरिंग फोर्सेस का मतलब कि जिससे बॉडी वापस आएगी, साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव। जी डैश हमने पुट कर लिया, अब रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मास कैंसिल, एक्सेलरेशन। जी और आर कॉन्स्टेंट है, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो ये क्या हो गया, बॉडी इज इन SHM। SHM की इक्वेशन, SHM की इक्वेशन में इन दोनों को कंपेयर करके क्या निकाल लिया, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी। तो टाइम पीरियड क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो ये एक्स जो है टाइम पीरियड की वैल्यू है, जब कोई बॉडी किस में मूव करेगी, एक बॉल मूव करेगी अर्थ के टनल में डायमीटर के अक्रॉस सेंटर को मीन पोजीशन मानते हुए।